छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं, बड़ा परिवर्तन लाते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी टिप्स जिसे जानकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये बात मुझे पहले पता होती। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए रियल मोटिवेशन की आवश्यकता होती है और एक बार मोटिवेट हो जाने के लिए आप उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं। आप ये जरूर जानना चाहोगे कि लाइफ में पैसा कितना महत्वपूर्ण है और हम में से हर व्यक्ति अच्छे से जानता है कि लाइफ में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ में बड़ा बनना है तो पैसा चाहिए, आगे बढ़ना है तो पैसा चाहिए, मतलब कुछ भी करना है तो पैसा चाहिए, बिजनेस शुरू करना है पैसा चाहिए। सब यही सोचते हैं कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मेरे पास बंगला होता, गाड़ी होती और एक ऐसा अच्छा बिजनेस होता जो खूब चले, लगातार चले और चलता रहे। आज भारत में 80% युवा बिजनेस करना चाहते हैं पर उनके पास बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। ये बात सच है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा जरूरी होता है, लेकिन आप बिना पैसे के भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हर काम पैसे से नहीं होता। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सफल है, जितना ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है, उसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो जीरो से हीरो बना है। उसने जीरो से बिजनेस शुरू किया और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया और इसका मैं एक रियल एग्जाम्पल हूं। और आप जानते हैं कि मैं केवल अपने एक्सपीरियंस की वही बात शेयर करता हूं जो प्रैक्टिकली अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करता हूं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं जो आप भली भांति जानते हैं कि जंगल में सबसे बड़ा जानवर जो होता है वो हाथी होता है, सबसे ऊंचा जानवर जिराफ, और वहीं अगर चतुराई की बात करें तो सबसे चतुर लोमड़ी होती है, लेकिन तेजी की बात करें, तेज रहने की बात करें, रफ्तार की बात करें तो चीता। इसके बावजूद भी जंगल का जो राजा होता है वो शेर होता है, क्योंकि शेर के अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है, उसकी चाल में एक अलग ही बहादुरी दिखाई देती है। शेर हर वक्त हर प्राणी के अंदर अपना एक शिकार देखता है, उसे पता होता है नो रिस्क नो गेन, और इसीलिए शेर हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। और इसीलिए कहा जाता है वेयर देयर इज अ वेल देयर इज अ वे। शेर के लिए दुनिया का प्रत्येक प्राणी एक भोजन होता है, उसी तरह आपको भी दुनिया के प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक व्यक्ति में एक क्लाइंट नजर आना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ मैं बिजनेस किस तरह से कर सकता हूँ। शेर को सब कुछ आसान लगता है, उसी तरह बिजनेसमैन का दिमाग इस तरह का होना चाहिए कि उसे हमेशा ये महसूस हो कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ जिनमें सिर्फ दिमाग लगाया, थोड़ा सा ट्रिक लगाया और काम करना शुरू किया और निरंतर आगे बढ़ता चला गया। बिजनेस में स्केलेबिलिटी अगर हो, अगर किसी भी बिजनेस में स्केलेबिलिटी है तो उस बिजनेस को बहुत आसानी से, बहुत सारे माध्यम से स्केल किया जा सकता है। वहीं आप बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके भी अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, पार्टनरशिप के माध्यम से कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स द्वारा लगाई गई पूंजी से भी अपने व्यापार को स्केलेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि एप्पल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्रांड है और स्टीव जॉब्स इसके फाउंडर हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एप्पल जो मोबाइल फोन कंपनी है, लैपटॉप कंपनी है, गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, वो अपना खुद कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते। एप्पल जैसी कंपनी फॉक्सकॉन से सारा मटेरियल खरीदती है, क्योंकि एप्पल के सारे प्रोडक्ट डिजाइन इन कैलिफोर्निया है, असेंबल्ड इन चाइना है एंड ऑल द पार्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय द फॉक्सकॉन। लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया की सबसे नंबर वन कंपनी बन गई। दूसरा एग्जाम्पल फेसबुक है। फेसबुक एक ऐसी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है जिसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, और यूजर फ्रेंडली होने की वजह से फेसबुक को बहुत अधिक काम फेसबुक पर नहीं करना होता। उन्हें तो केवल उस साइट को मेंटेनेंस के रूप में उसको रेगुलर मेंटेन करना होता है। जो यूजर हैं वही इस वेबसाइट पर वीडियोस, फोटोज, इमेजेस, कंटेंट, टेक्स्ट पोस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डेटा बैंक फेसबुक पर आ गया, बहुत सारे लोग उसके फ्रेंडली यूजर बन गए। और अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जितनी जनसंख्या हमारे देश की है उससे ज्यादा फेसबुक के एक्टिव यूजर हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए फेसबुक को पैसा देने लगे
और फेसबुक की इनकम ही केवल लोगों से एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पैसा कमाने की है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे ओला, जिनकी अपनी खुद की कोई कार नहीं है लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी कंपनी बन गई जो टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओला, उबर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ, redbus.in, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया है। अगर आप redbus.in से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो, वो डिटेल देख सकते हैं जो आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देगी। अगर हम लिस्ट लेकर बैठे तो हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे हम ये चीज समझ सकते हैं, जिनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो केवल सर्विस प्रोवाइडर है या फर्स्ट पार्टी टू थर्ड पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं। trivago.com, makemytrip.com, oyo, यात्रा, मंत्रा, ऐसी बहुत सारी साइट जो केवल वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी को पहुंचाने का काम करती हैं। बिना पैसे के भी बिजनेस किया जा सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कोशिश करे कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए। जैसे थर्ड पार्टी रिलेटेड बिजनेस, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी रिलेटेड मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं, एक व्यक्ति से मटेरियल लेते हैं और दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इंडिया में indiamart.com, exportersindia.com और चाइना में alibaba.com, जिनका अपना कोई बिजनेस नहीं है, वो केवल बायर, सेलर, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को ये सुविधा प्रदान करते हैं जहाँ वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग नए नए कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे मैन पावर कंसल्टेंसी, जैसे वर्क फ्रॉम होम, लाइक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। ये वो लोग हैं जो एक से लेकर दूसरे व्यक्ति तक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनकी अर्निंग उन लोगों से होती है। आप खुद की वेबसाइट बनाकर भी आज एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से, ब्लॉग राइटिंग के माध्यम से, कंटेंट राइटिंग के माध्यम से और इसके अलावा यूट्यूब चैनल बनाकर भी बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट या तो जीरो होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है, और इनकम अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी और अच्छी इनकम आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है तो आप इन्वेस्टर्स के साथ कोलैबोरेशन करके और अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करके भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। स्टार्टअप फंडिंग लेकर भी आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और स्टार्टअप फंडिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, जैसे इन्वेस्टर्स कैसे ढूंढें, इन्वेस्टर्स के लिए प्रपोजल कैसे डिजाइन करें और प्रपोजल डिजाइन करने के बाद मीटिंग में उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, ये सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। यदि आप अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप बहुत ही छोटे निवेश में या ना के बराबर निवेश में बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं। हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई एक काम जरूर बहुत अच्छे से कर सकता है। जरूरत है तो केवल अपनी आत्मशक्ति को जगाने की। इसीलिए मेरी कविता है कि ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं। अगर आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का निर्णय कर लिया तो मैं दावा करता हूं कि जीवन में आपको हर वो सफलता प्राप्त होगी जिसे पाने का हक आपको है, जिसे पाने के बारे में जोश, जज्बा और जुनून आपके मन में है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपकी कामयाबी में ये बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।